उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने कमाल कर दिखाया, जो कि जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से दो कद्दावर नेताओं को सपा में शामिल कराना भी बड़ा असरकारक रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे फेल रहे। 5 किलो राशन, बेरोजगारी, संविधान को खत्म करने का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े। इतना ही नहीं, पूर्व सरकार में समाजवादी पार्टी जो ऐतिहासिक विकास कार्य किए थे, उसका नतीजा अब की बार दिखाई पड़ा। अंबेडकर नगर जिले से कई बार मंत्री रहे विधायक लोकसभा के प्रत्याशी लालजी वर्मा लाखों वोटों से भी ज्यादा अपनी जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाजवादी पार्टी को धूल चटाने का काम किया। वर्तमान सरकार के सारे सपने अधूरे रह गए। प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी अपना दबदबा कायम कर लिया। मतगणना के चंद कदम दूरी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसरा रहा। सबसे पहले मैं अंबेडकर नगर की महान जनता को और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी घटक के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके इस अंबेडकर नगर का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं अंबेडकर नगर की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अन्याय अत्याचार जिस तरह से भारतीय संविधान के साथ, बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, जिस तरह से पिछड़ों और दलितों के हक को मारने का काम किया गया, जिस तरह से आम आदमी को कष्ट में डालने का काम, महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर करने का काम किया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।